We lost our luggage. जिस दिन लैंड करे उस दिन अर्थ को एक आ गया, देख लो जरा टाइमिंग देख लो, भगवान ऐसा टॉर्चर कर रहा है ना हमें। वी आर इन बाली, मैं काफ़ी खुश लग रही हूँ, बट ऑनेस्टली ये जो एक्सपीरियंस रहा है ना अभी डे वन तक का, बहुत ज़्यादा हॉरिफिक रहा है। सबसे पहले तो हमारा लगेज रह गया, येस वी लॉस्ट आर लगेज, एंड जो माइनर अटैक मुझे मिला ना, मतलब आई वॉज ले, मैंने इतने महीने से प्लानिंग करी, पैकिंग करी, सब कुछ गुम हो गया, मेरे ऑलमोस्ट वहाँ पे आंसू आ गए थे, बट देन वी फाइल्ड अ रिपोर्ट। सो क्या हुआ, एयर इंडिया ने जहाँ से हमने फ्लाइट लिया, मैं पहली फ्लाइट लेनी थी इंडिया टू सिंगापुर, सिंगापुर से ट्रांजिट होता है टू बाली। सो एयर इंडिया ने काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, उन्होंने हमारा जो बैग टैग था उसके ऊपर टैग लगा दिया एयर इंडिया टू सिंगापुर ओनली, मतलब इंडिया से सिंगापुर तक ही, तो सिंगापुर पे हमारा लगेज रह गया। एंड सिंगापुर से जब हमने जेट स्टार ली नेक्स्ट फ्लाइट, तो उसमें हमारा लगेज नहीं आया। सो हमने कंप्लेन फाइल करी, प्रॉपर जो रिपोर्ट लिखते हैं, सो वहाँ पे उनको मिल गया था कि हमारा लगेज वहाँ पर रखा है लॉस्ट एंड फाउंड में। फिर हमारा लगेज आया आफ्टर 4-5 आवर्स, मतलब हमारी जो फ्लाइट थी वो बाली में लैंड कर गई थी 2:30, बट हमारा जो लगेज है वो नेक्स्ट फ्लाइट में आया जो 7 o'clock की थी। तो लिटरली हम 3 बजे से लेके 7 बजे तक फ्लाइट एयरपोर्ट पर बैठे थे, देनपसार एयरपोर्ट जो बाली का है, एंड ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो गया था, मतलब ऐसा लगा कि क्या यार ट्रिप शुरू होती ख़राब हो गई। सो ये तो खाली एक बिगनिंग है, छोटे छोटे ऐसे ट्रीज बने हुए हैं सारे, मतलब ट्री हाउस है, सब कैसे ट्री हाउस बने हुए हैं, वी ऑल्सो हैव अ वेरी ब्यूटिफुल सा ट्री हाउस। बट रात को यहाँ पर आया अर्थ क्वेक, मतलब जिस दिन लैंड करे हैं उस दिन अर्थ क्वेक आ गया, देख लो जरा टाइमिंग देख लो, भगवान ऐसा टॉर्चर कर रहा है ना हमें। सो रात को 3 या 4 बजे बहुत सॉलिड अर्थ क्वेक आया, 7 मैग्नीट्यूड का अर्थ क्वेक आया, एंड ट्रस्ट मी 7 मैग्नीट्यूड तो काफ़ी बार घर भी ला देता है, ये तो फिर भी एक ट्री हाउस है जो ऐसे लकड़ियों पर खड़ा हुआ है, हम लिटरली यहाँ पर जब ऐसे चल रहे हैं ना तो ये चीज़ हिल रही है, तो मतलब मेरा तो ऐसा था, मैंने तो इतना टाइटली अपन को पकड़ लिया, वाज लाइक अब नहीं बचना भाई, आज मैं ख़त्म हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि लाइफ इज़ फिनिश्ड, बहुत सॉलिड अर्थ क्वेक आया था। एंड उसके बाद एक और मिसहैप हो गया, हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, स्पेसिफिकली हमारे ये जो ट्री हाउस हट है इसकी, बाकी सबके ट्री हाउस हट की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमारी नहीं आ रही है, एंड आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है डे वन इन बाली सच ब्लैक। सारे अच्छे अच्छे बचा के रखे थे कि कभी कहीं ट्रिप पर जाऊँगी फिर पहनूंगी, ये मैंने शायद वैसे लिया था बाय द वे। सो आई एम नॉट रियली श्योर, मैं हम यहाँ पे हैं अराउंड 12 डेज़ के लिए या 11-12 डेज़ का हमारा पूरा ट्रिप है, हमने डिवाइड कर लिया अलग अलग कहाँ कहाँ पे हमें जाना है बाली में। वी आर गोइंग टू नूसा पेनिदा, वी आर गोइंग टू गिलिटी एज वेल, टचवुड अब कुछ ख़राब ना हो, सब कुछ अच्छे से हो। सो आई होप आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा ज़्यादा व्लॉग करूँ, आप सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ। सो या लेट्स क्विकली गेट रेडी एंड रश टू बीच। A few moments later. Hi from another room. I know मैंने बोला था बीच के लिए रेडी हो रही हूँ, बट क्या हुआ ना वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं, आई टोल्ड यू कल अर्थक्वेक आया वहाँ पे और इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। आई लव हाउ माई स्किन लुक्स, सनस्क्रीन लगाई हुआ काफ़ी भर भर के। सो इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं, एंड ऑफकोर्स जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वॉशरूम नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, और वो थोड़ा ट्री हाउस जैसा था, डार्क डार्क था, ऐसा भी नहीं था कि नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। सो ऑब्वियसली वी चेकड आउट, और हमने नियर बाय में पैदल के रस्ते में चेक इन कर लिया है, दिस इज अनदर होटल। सो दिस इज अ प्रॉपर होटल, ये वो नहीं है जो रिजॉर्ट टाइप होते हैं, ये प्रॉपर ऐसे होटल। आई लव द क्वर्की वाइब ऑफ दिस वन, लुक एट दिस क्यूट हैंगर्स एज वेल, एंड हियर इज मी नाइट सूट में घूम रही हूँ मैं सुबह से। सो फाइनली आई टेक अ बाथ, गेट रेडी, और अब हम जाएंगे बीच पे। बाय द वे दिस इज माई फर्स्ट एवर बीच एक्सपीरियंस, यस मैं कभी बीच नहीं गई, मैं तो आज तक गोवा ही नहीं गई यार। सो यार जय माता दी, फाइनली जब आई हूँ तो बाली के बीच में जाने वाली हूँ। सो वी आर इन जिम्बारन उलुवातु। हाय गाइस, आई वाज क्विकली गेटिंग रेडी एंड आई थॉट लेट्स डू अ क्विक रिव्यू एज वेल, बिकॉज काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि जब आप ट्रैवल करते हो आप डेली बेसिस की लुक करते हो, आप फुल कवरेज प्रेफर करते हो या फिर सेमी कवरेज, आप कलर करेक्टिंग करते हो, कंसीलर लगाते हो। सो आज मैं बता देती हूँ, आई डोंट अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, आई ट्राई माई बेस्ट की एवरी डे लुक्स या फिर जो ट्रैवल लुक्स हैं वो थोड़ी सी कम्फर्ट होनी चाहिए, वैसे केकी केकी भरी हुई नहीं लगनी चाहिए, एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत कवरेज भी मिलनी चाहिए। एंड व्हाट इफ आई टेल यू आई हैव अ प्रोडक्ट जो एक्ने मार्क्स को हाइड नहीं करता, उसको ट्रीट भी करता है। बेसिकली यूजली आप जो भी फाउंडेशन लेते हो वो क्या करता है, आपके मार्क्स को हाइड कर देता है, बट वी हैव स्किन केयर इन्फ्यूज्ड मेकअप हेयर जो बेसिकली आपके मार्क्स को भी हाइड करेगा एंड एट द सेम टाइम उसको अंदर से ट्रीट भी करेगा, बिकॉज इट हैज सम रियली गुड बेनिफिट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट बाय डर्माको। सुपर 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 एक्साइटेड अबाउट दिस वन, जब मैंने देखे थे ना आई वाज लाइक
आई हैव टू ट्राई एंड सी, बिकॉज मुझे इनकी बीबी क्रीम्स बहुत पसंद आई थी. सो ये है डर्माकोके 2% नायसिनमाइड हाई कवरेज फाउंडेशन फॉर इवन टोन्ड एंड हाइड्रेटेड स्किन. इसमें आपको मिलता है SPF 40 विद PA++. इसके अंदर 2% नायसिनमाइड है, 1% हाइलुरोनिक एसिड है. एंड द शेड रेंज इज क्रेजी, 7 शेड्स आते हैं विच इज क्रेजी फॉर अ स्किन केयर ब्रांड लॉन्चिंग अ फाउंडेशन इज 7 शेड. कूडोज टू डर्माको फॉर दैट. द रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम आइवरी टू न्यूड, नेचुरल, कैरमल, पीच, बेज, सिनेमन. इन्होंने बेसिकली सारी शेड्स को ही कवर किया है जिसका अंडरटोन लाइट है, पेल है, येलो है, थोड़ा बहुत डार्क है. तो इंडियन स्किन टोन के लिए ये पूरी रेंज है ना काफी अच्छी है. डर्माकोस 2% नायसिनमाइड हाई कवरेज फाउंडेशन इज सुपर लाइट वेट. ये 12 आवर्स का लॉन्ग स्टे देता है, 12 आवर्स का ऑयल कंट्रोल भी देता है. तो ये ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी काफी अच्छा है. इट कम्स विद 2 पावरफुल अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स. सबसे पहले है इसमें नायसिनमाइड, जो हम सबको पता है कितना एक्टिवली वर्क करता है डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में, इफ फ्लॉलेस स्किन देने में. सेकंड, इसके अंदर 1% हाइलुरोनिक एसिड भी है जो स्किन को प्लम्प रखता है, हाइड्रेटेड रखता है. ओवरऑल दिस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्किन केयर एंड मेकअप. इसके अंदर SPF भी मिल रही है 40 विद PA++, इससे आपको सन प्रोटेक्शन भी मिलेगी फ्रॉम हार्मफुल UVA UVB रेज. और इस साइड मुझे काफी ज्यादा अभी मार्क्स और रेडनेस थी, एंड यू कैन सी इसने कितनी ब्यूटीफुली उसको कंसील किया है, कुछ भी नहीं विजिबल. सो डेफिनेटली ये मीडियम टू फुल कवरेज मैं इसको बोल सकती हूँ, एंड मुझे कोई कंसीलर कलर करेक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ी. सो दिस इज रियली नाइस, लाइक मेकअप विद स्किन केयर बेनिफिट्स, व्हाई नॉट. सो मैंने एक वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट भी करके देखा कि ये बाकी फाउंडेशन के कंपेरिजन में वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं. सो मैंने एक नॉर्मल फाउंडेशन लगाया किसी और ब्रांड का, उसके बाद मैंने डर्माको का फाउंडेशन भी स्वॉच किया, एंड देन आई एम स्प्रेइंग वाटर. एंड यू कैन सी वो जो पहले वाला फाउंडेशन मैंने लगाया था किसी और ब्रांड का, वो वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, वो ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, वेयर एज ये ड्रॉपलेट्स को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता, एक थिन फिल्म की तरह काम कर रहा है, पानी ऊपर से ड्रिप ऑफ हो रहा है लेकिन उसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा. सो डेफिनेटली ये वाटर रेजिस्टेंट भी है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ग्रैब इट फ्रॉम डर्माकोस ऑफिशियल वेबसाइट. आप अपनी शेड के हिसाब से कोई भी शेड पिकअप कर सकते हो. बाय फ्रॉम डर्माको यू कैन यूज माई कोड Kashika2023. ये एफिलिएट कोड नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इट इज जस्ट फॉर माई ऑडियंस. डर्माको हैज एम्पावर्ड 10,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस दिस ईयर विद अ यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम डर्माको दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड द बेस्ट पार्ट इज इनके सारे प्रोडक्ट्स अब फ्रेग्रेंस फ्री हो चुके हैं. सो ये फाउंडेशन भी फ्रेग्रेंस फ्री है, नॉट जस्ट फ्रेग्रेंस, दिस इज डाई फ्री, पैराबिन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री. सो ओवरऑल ये बहुत सेफ है आपकी स्किन के लिए भी. मैं सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड नाउ लेट्स गो. We are going to Uluwatu Beach. कितना था एंट्री? 10,000 रुपीज, विच इज INR 54. मात्र 50 रुपये में हमें बीच में एंट्री मिल गई है. सो लेट्स सी अंदर कैसा होगा. इनसाइड उलुवातु टेम्पल, एंड मैंने बहुत सारी रील्स देखी थी बाली की. सो आई ऑलरेडी न्यू कि जो लॉन्ग ड्रेस होती है उनको ये पर्पल वाला सरोंग पहनने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए मैंने क्विकली चेंज कर लिया. हम जो कैफे गए थे सिंगल फिन, मैंने वहाँ के वॉशरूम, ये क्या कर रहा है, मैंने वहाँ के वॉशरूम में चेंज कर लिया था. तो इस टेम्पल की एंट्री फ्री थी, प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे मंकीज थे तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई. यहाँ पे सनसेट होता है, केचर डांस होता है, केचर डांस हाउसफुल था तो हम उस टाइम भी देख पाए, बट लकीली हमने सनसेट देखा विच वॉज अमेजिंग. दी नेक्स्ट मॉर्निंग. Hi guys, it's day 2 in Bali, technically day 2, explore wala day 2. Now we are going from Bali to Nusa Penida, matlab it's in another island. So uske liye hame port pe jana hai, ab hum ja rahe hain Sanur Port cab karke, and Sanur Port se hum lenge obviously fast boat jo milti hai. Abhi humne book nahi karai because hame sab bol rahe hain wahan pe mil jati hai. I think it's kind of off season because is time pe zyada bheed nahi hai, so let's hope hame boat mil jaye. So jo time ki boat available hogi jo hame dekh ke achhi lagegi, because Klook pe humne dekha tha, Klook is basically an application
जहाँ पर आप यहाँ पे सारी बुकिंग्स वगैरह कर सकते हो कैब की किसी भी चीज़ की. सो हमने देखा था बहुत सारी जो बोट्स ही अवेलेबल थी. सो लेट्स सी जो मिलेगी बेस्ट हम वो ले लेंगे. सो वी हैव रीच सनौर पोर्ट, यहाँ से जाती है एंड आई थिंक दिस इज फॉर आर लगेज एंड दिस इज़ द बुकिंग. यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफिसेज मिल जाएंगे. सो इवन इफ आपने पहले बुकिंग नहीं करी इट्स ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे, यू कैन प्री बुक एंड फाइनली रीच न्यूसा पेनीदा बाली. अगर आ रहे हो ना तो एक गलती जो मैंने करी है प्लीज़ मत करना, कैरी स्मॉल लगेज, ज़्यादा हैवी लगेज हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है. बट फाइनली वी हैव चेकड इन इनटू दिस ब्यूटीफुल, द नेम इज़ बिंतांग बंगलो आई गेस, इट्स प्रिटी. आई डोंट नो, ये मेरा कैमरा फोकस नहीं करता और ये बंदा वॉशरूम में जाके बैठा रहेगा घंटों तक. आई रियली लाइक द शावर एरिया एज वेल, काफ़ी रॉ जंगल टाइप फील. ओके यहाँ पे आवाज़ एक हो रही है, बस लाइक सेमी ओपन सॉर्ट ऑफ शावर एंड हाय. फटाफट से चेंज करेंगे, शावर लूँगी बिकॉज मैं सुबह नहीं लिया था एंड लेट्स गेट रेडी. क्या हो गया? नो आइडिया, आई एम नॉट अ चिकन ईटर. Yeah, let's get ready. Now I'm ready for another beach. मैंने इस भाई वाला बैग ले लिया बिकॉज सारा मेजर सामान तो मैंने अमन के बैग में डाल दिया, तो मैं क्यों खामा का इतना बड़ा बैग कैरी करूँ. अगेन वेयरिंग द सेम स्टाइल ऑफ मोनोकनी, नीचे शॉर्ट्स. आई रियली लाइक दिस कंसेप्ट कि मोनोकनी पहन लो और फिर नीचे शॉर्ट्स पहन लो, बिकॉज ऑब्वियसली अंग्रेजों की तरह मुझे थोड़ी शर्म आती है, मैं इसे नहीं घूम सकती. सो जब बीची एरियाज में हम जाते हैं, ऑब्वियसली जब बीच पर जाते हैं तो मैं शॉर्ट्स उतार लेती हूँ, वी कैन स्विम एंड देन आई कैन वेयर द शॉर्ट्स बैक, कंफर्टेबल भी रहता है एंड आई ऑल्सो शॉर्ट अ क्विक गेट रेडी विद मी एज वेल, तो वो भी आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा. सो लेट्स एक्सप्लोर नूसा पेनीदा. हमने स्कूटी अगेन रेंट कर ली, हमने बाली में भी करी थी, उलुवातु में, हमने यहाँ पे भी करी है. काफ़ी सस्ती है बाली में स्कूटी, काफ़ी सस्ती मिल जाती है आपको. सो या रेंटेड आउट एंड एक्सप्लोर द सिटी. लेट्स कैलिंगी एंड वी आर लकी इनफ टू स्पॉट द सनसेट एज वेल. नीचे जा नहीं पाएंगे या इसमें नीचे नहीं जा सकते, नहीं जा ही नहीं सकते. जा सकते हैं? बहुत मुश्किल रास्ता. ओह आई थॉट खाली ऊपर से. हाँ लेट मी जूम इन. हाँ लोग जा रहे हैं नीचे, लोग बैठे हुए नीचे, लोग तो बैठे हुए नीचे. बट वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, कोई नहीं. ये टीरेक्स की शेप में शायद सनसेट होने वाला है जल्दी. नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स आर डे 3 इन बाली. मैं हमेशा बाली को ऐसे ही बोलती, बाली. या आज सोया हम अच्छे से आफ्टर 2 डेज, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट 12 घंटे की नींद ली है. सो यहाँ पर नाइट लाइफ इतनी नहीं है, मतलब रात को बहुत चीज़ें, मतलब स्पेसिफिकली नूसा पेनीदा में रात को इतना कोई नाइट लाइफ नहीं है. हम रात को एक रेस्टोरेंट गए, नॉर्मल सा खाया, फिर हमें पसंद नहीं आया तो हमने वापस अपने होटल के जो रेस्टोरेंट होते हैं उसी में नूडल्स वगैरह खा लिए थे. सो नाउ वी हैव स्लेप्ट रियली वेल और आज हम दूसरी साइड कवर करने वाले हैं. तो कल हम गए थे क्रिस्टल बीच गए थे, कल हमने क्लिंकिंग बीच देखा था, ब्रोकन बीच नहीं देखा, 2 बीच देखे थे. आज हम और दूसरी साइड कवर करने वाले हैं बिकॉज कल हम वापस चले जाएंगे यहाँ से, नूसा पेनीदा से हम दूसरा आइलैंड जाएंगे गिलीटी. एंड मेरी आवाज़ अभी ऐसी है बिकॉज मुझे वॉर्म वाटर चाहिए सुबह उठते ही. सो हम ब्रेकफास्ट बुफे करने वाले हैं एंड नाउ लेट्स एक्सप्लोर बाली अगेन. इट्स डे 3. मुझे इसलिए पूरे आइलैंड के एग्जैक्ट ऑपोजिट जाना. तो हम आतू बीच जाएंगे या फिर ये डायमंड, डायमंड कहाँ पे है? डायमंड आतू के जस्ट 3 किलोमीटर. वी आर एट डायमंड बीच. काफ़ी रिस्की रास्ता था और अभी भी काफ़ी थोड़ा सा रिस्की है, मतलब आई डोंट नो, थोड़ा रिस्की लगा. फाइनली रीच, रश दिख रहा है काफ़ी एंड द स्ट्रगल इज रियल नीचे उतरते वक्त. यहाँ की स्कूटी थोड़ी सी अजीब है, स्कूटी पुरानी है, थोड़ी अजीब ब्रेक चेक करना. बहुत ज़्यादा धूप है यार. Oh, I can see the beach, 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 beach. We are at Diamond Beach. और मैंने एकदम लाइनर मैच किया अपनी बिकनी से.
ब्लू एंड दिस बीच इज ब्यूटिफुल. मतलब इसका हाइक थोड़ा सा टफ था, मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऊपर से जो हाइक किया हमने. इट वॉज स्लाइटली टफ बट वर्थ एवरी पेनी. लाइक लुक एट द व्यू. बाय द वे इसको डायमंड बीच इसलिए बोलते हैं बिकॉज शेप ऑफ दैट इट्स मोर लाइक अ डायमंड. सो या इट्स कॉल्ड डायमंड बीच. एंड या वी आर प्लानिंग सम ड्रोन शॉट. यहाँ पे पेड ड्रोन शॉट्स होते हैं और 800 रुपीज में ड्रोन शॉट ले रहे हैं. सो आई थिंक वी गेट वन ड्रोन शॉट. इट्स ब्यूटिफुल. Yes. Senior, it's too early, don't be eating. We don't need to, we got everything we need right here. And everything we need is cleaner. Just so easy when the whole world beats inside of your arms. Do we really need to pay attention to the next day? Hey guys, it's day 4 in Bali, but I'm ending this vlog here because vlog banana bahut zyada lamba ho jayega aur itna lamba vlog mujhe post nahi karna hai. So I'm planning to post in series like part 1, part 2. So in this part 1, you have seen Uluwatu, from airport to Uluwatu, then Uluwatu se humne jo ferry kari thi from Noosa Penida, maine pura explore kar diya iske andar, east side, west side. Hum famous wale sare beaches gaye the, okay wale beaches nahi gaye the, sabse jo famous hai wahan gaye the. Diamond Beach bhi gaye jo kafi acha आपने देख ही लिया होगा व्लॉग में. सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर एंड आफ्टर दैट अ न्यू व्लॉग विल बिगिन. इसके बाद ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू गिलिटी, जो और ज्यादा एक्साइटिंग आइलैंड है. इट्स लाइक एन आइलैंड जहाँ पे व्हीकल वगैरह कुछ नहीं चलते. मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू व्लॉग दैट एज वेल. बट I am ending it here. So make sure you like this video. Do subscribe to my channel. And I'll try my best कि मैं जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ भी गई हूँ उन सबकी details, links जो भी होगा मैं description box में डालती रहूँ. So that it's easier for you as well. और जो भी लोग पूछ रहे हैं कि हमने पैकेज लिया नहीं लिया, हमने पैकेज नहीं लिया. दिस इज ऑल सेल्फ मेड आइटनरी. सो जो भी चीज़ें हम डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आई डेफिनेटली इंक्लूड इन द ब्लॉग. बट फॉर नाउ आई एम एंडिंग इट. मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन Instagram. Instagram पर मैं बहुत सारी स्टोरीज डाल रही हूँ. सो जस्ट इन केस आप ग्लिम्सेस भी देखना चाहते हो, आप मेरे इंस्टा पे देख सकते हो. दिस इज माई इंस्टा आई डी बाय द वे. एंड या आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.